आज है हमारा पटाया का लास्ट डे। मिस्टेकली उन्होंने हमें अलग सा रूम दे दिया था जो हमने बुक भी नहीं किया था। आपको मतलब थोड़ा सा उडेन वाइब आपको मिलेगा, ओल्ड थाई वाइब। यहाँ पे ग्रेवियर है और यहाँ से सेक्सी व्यू। खास बात यह है कि थोड़ा सा एस्थेटिक वाला है, उडेन वाला वॉशरूम है और यहाँ पे आपको एक छोटा सा डाइनिंग। यहाँ पे एक सिटिंग एरिया है उनका। गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज है हमारा पटाया का लास्ट डे और हम अभी जा रहे हैं सेंचुरी ऑफ ट्रूथ देखने के लिए। बट हमें पता नहीं कि एंट्री में क्या होने वाला है, एंट्री का फीस क्या है, तो जाके वहाँ पे पता चलेगा। बट ये मस्ट विजिट प्लेस है सेंचुरी ऑफ ट्रूथ। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का दिन एंड लेट्स गो। सो द लास्ट डे हम पहुंच गए दी सेंचुरी ऑफ ट्रूथ पटाया और ये एक बहुत फेमस सर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, मस्ट विजिट प्लेस है। तो हम यहाँ पे अभी पहुंच गए सुबह सुबह, एकदम क्राउड भी कम है। यहाँ पे कैफ़े वगैरह है अच्छा सा, हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह किया। उसके बाद हम लेंगे यहाँ से टिकट जो है वो है 400 बात पर हेड एडल्ट के लिए। और आई एम सो सॉरी, इनसाइड व्यू जो मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया था बाई मिस्टेक मुझसे सब कुछ डिलीट हो गया। सो सॉरी फॉर देट, मैं आपको वो क्लिप्स नहीं शेयर कर पा रही हूँ। अंदर काफ़ी बड़ा सा स्पेस है, काफ़ी कुछ है देखने के लिए, एक मस्ट विजिट प्लेस है ये। आप लोग अगर पटाया आते हो तो ज़रूर ये सेंचुरी ऑफ ट्रूथ आप लोग मिस मत कीजिएगा। और हम यहाँ पे कैफ़े पे बैठ थोड़ा सा चील मार रहे थे क्योंकि हम बहुत थक चुके थे। फ़ोटो वोटो खिंचवाया, उसके बाद हम वापस जा रहे थे अपने होटल के तरफ। तो अभी हम जा रहे पटाया छोड़ के, हम जा रहे बैंकॉक की तरफ। हमारे होटल से जाएंगे नॉर्थ पटाया बस स्टैंड और वहाँ से डायरेक्ट हम बस लेंगे मोचीद बस स्टॉप, और उसके बाद मोचीद बस स्टॉप बैंकॉक और वहाँ से हम लेंगे होटल। और बैंकॉक पे भी हमारा स्टे है। सो नाउ वी आर वेटिंग फॉर आवर ग्रैब टू कम। हम अभी ग्रैब के लिए वेट कर रहे हैं। यहाँ पे पता नहीं क्यों आजकल ग्रैब वालों ने बड़े तमाशे कर रखे हैं। लाइक कोई कैंसिल कर देता है, कोई बहुत रूड फील करता है। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग बट इट्स नॉट गुड, बी केयरफुल। बैंकॉक तो पहुंच गए बट हम अभी अपने रूम पे जा रहे हैं एंड एक घंटे से ट्रैफिक पे फंसे हुए हैं, रूम पे नहीं जा पा रहे हैं। एक घंटे से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, लाइक इट वाज शोइंग 12 किलोमीटर्स बट इट टेक 1 आवर, लिटरली 1 आवर टू रीच। सो नाउ वी आर गोइंग टू आवर रूम एंड रूम टूर। यस, होटल टूर भी आपको मिलेगा इसी वीडियो पे, बने रहिएगा। We reached the room finally, but I am not satisfied with the room at all. मुझे ये room change करना है क्योंकि मैंने जो देख के जो सोच के मैंने book किया था वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। I'm so upset about the room. मैं आपको एक बार room tour दे देती हूँ, मतलब एक रात के लिए it's okay, but I need some vibe here. It's so suffocation, you know.
सो गाइज बाय मिस्टेकली उन्होंने हमें अलग सा रूम दे दिया था जो हमने बुक भी नहीं किया था, तो अभी बोलने के बाद उन्होंने अच्छे से चेंज करके दिया हमें। सर्विस काफ़ी अच्छी है उनकी और मैं आपको रूम टूर देती हूँ, बट उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे रूम के ऑपोजिट पे बाहर ही ग्रेवियर है और मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लेट्स सी। तो हम आके फ्रेश अप होके हम निकल गए हैं थोड़ा सा नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए बैंकॉक का। तो उससे पहले कि रूम ज़्यादा मेस हो जाए एक छोटा सा रूम टूर दे देती हूँ आपको, ठीक है। तो ऐसे भी रूम पूरा मेसी कर दिया है हमने आके, थोड़ा सा एकदम हड़बड़ी में रेडी होना पड़ा हमें क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका था, शाम हो गया है और ज़्यादा लेट नहीं कर सकते हम। ज़्यादा सफ़ेद लग रहा है क्या मेरे को, ज़्यादा पाउडर दे दिया, ओके कोई बात नहीं। तो चलो एक छोटा सा रूम टूर देते हैं और फिर निकलते हैं, यही होगा इस ब्लॉग का लास्ट पार्ट रूम टूर, उसके बाद नाइट लाइफ वाला ब्लॉग नेक्स्ट मिलेगा आपको, ओके स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। चलो रूम टूर देते हैं, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से आवर मेन डोर, दिस इज आवर मेन डोर। मेन डोर से आते ही हमें जो मिलता है वो है एक वॉशरूम, टब है, बमिंग एरिया है और खास बात यह है कि थोड़ा सा एस्थेटिक वाला है, वुडन वाला वॉशरूम है, ज्यादा नहीं दिखाऊंगी, मेसी है, थोड़ा सा ओल्ड फैशन का है बट इट्स ग्रेट। आगे आते ही यहाँ पे एक फुल साइज का मिरर मिल जाता है। हाउ एम आई लुकिंग गाइज, इट्स माय टुडेज़ लुक गाइज। चलो आते ही आपको एक लॉकर मिल जाएगा, डस्टबिन, एक ओवन दिया है, फ्रिज काम करता है और यहाँ पे एक बड़ा सा एक कवर्ड है, इसके अंदर बहुत सारे कपड़े भर दिए हैं हमने अभी। और यहाँ पे आपको एक छोटा सा डाइनिंग एरिया, एक वुडन रैक, लाइक बेसिकली इस रूम का थीम ये है कि आपको मतलब थोड़ा सा वुडन वाइब आपको मिलेगा, ओल्ड थाई वाइब, लाइक आप देख सकते हो कि बेड वगैरह कैसे है। सो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है इस टेबल पे और यहाँ पे एक टेबल लाइट, एक टीवी मिलेगा आपको, एसी है और यहाँ से बैल्कनी, फुल फ्लैज बेल्कनी। पहले भी मैंने बोला था यहाँ पे ग्रेवियर है और यहाँ से सेक्सी व्यू, बारिश आने वाला है, लेट्स गो। मैं जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि कभी भी बारिश आ सकता है, ओके चलो ये हो गया, वी आर रेडी, रूम टूर दे दिया आपको एंड लेट्स गो नाउ। दिस इज द आउटडोर व्यू, फुल लॉबी, ओके तो फुल लॉबी, एस्थेटिक वाइब, बाहर इतना एस्थेटिक नहीं है। कल आपको मैं स्विमिंग पूल का व्यू भी इस वीडियो के साथ में अटैच कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको लॉन्ड्री मिल जाता है, फुल व्यू, यहाँ पे आपको गेमिंग एरिया एंड जिम वगैरह सब मिल जाएगा। इट्स अ लॉबी, नाइस फुल फ्लेज लॉबी एंड देन हियर दिस फुल यहाँ से स्विमिंग पूल का एंट्री होता है, यहाँ पे एक सिटिंग एरिया है उनका, थोड़ा सा काम चलाओ है बट हम फिर भी यहाँ पे स्विम करेंगे। गुड मॉर्निंग, दिख ही नहीं रहा है कुछ भी,
सनग्लास लाना भूल गई। इट्स फाइन।